सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी आंख भी सुबह के 3 से 5 के बीचकार खुलती है तो इसका क्या कारण होता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, कई लोग जो पीर बाबा को मानते हैं उनकी आंख अक्सर ही सुबह के 3 से 5 बजे के बीचकार खुलती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि इस समय हमारी आंख अक्सर ही क्यों खुल जाती है। हमारा पीरो मुर्शद हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, वह हमें क्या कहना चाहते हैं। यह बात बहुत से लोगों के साथ होती है कि उनकी आंखें सुबह के समय खुल जाती है। अक्सर हफ्ते में 2 या 3 बार उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जो लोग ज़्यादा पीर बाबा को मानते हैं, उनकी ज़्यादा सेवा करते हैं, हर रोज़ उनके चिराग करते हैं, उनको सलाम करते हैं, ऐसे लोगों की आंख अक्सर ही सुबह 3 से 5 के बीचकार खुलती रहती है, लेकिन वह थोड़ा समय जाकर फिर सो जाते हैं। हम यही बड़ी गलती करते हैं। अगर आपकी भी आंख 3 से 5 के बीचकार खुलती है तो आपको सोना नहीं है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि अक्सर ही आपकी आंख इस समय खुलती है। यह समय होता है अमृत का वेला, अमृत का समय। यह समय होता है पीरो मुर्शद की बंदगी का, अल्लाह ताला को याद करने का। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप सोए नहीं, उठें, स्नान करके पाक साफ कपड़े पहनकर अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में हाजिर हो जाएं, उनके चिराग रोशन करें और दिल से उनके आगे दुआ करें। जितना समा हो सके अल्लाह ताला की इबादत में बैठें, अल्लाह ताला का जिक्र करें। पिछली जिंदगी में आपसे जो जो गलतियां हुई हैं उन सब गलतियों की माफ़ी मांगें और अपने लिए दुआ करें, दुनिया के लिए दुआ करें, दूसरे लोगों के लिए दुआ करें, सरबत का भला मांगें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके पीरो मुर्शिद आपको माला माल कर देंगे, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे, यह बात पक्की है। फकीर लोग या जो लोग नाम सिमरन करते हैं वह इसी समय ही उठते हैं। वह हर रोज सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर 4 बजे तक वे अपने पीरो मुर्शिद की अल्लाह ताला की इबादत में बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो लोग सुबह 3 से 5 के बीचकार मुझे याद करेंगे, जो हाथ इस समय मेरी दुआ में उठेंगे, उन हाथों को मैं कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आओ, कोई है ऐसा जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है, मैं माफ़ कर दूंगा। कोई है जो अपने लिए दुआ मांगना चाहता है, मैं उसकी हर दुआ को कबूल करूंगा, उसकी हर फरियाद को सुनूंगा। खुद अल्लाह ताला यह फरमाते हैं। इसीलिए अगर आपकी आंख नहीं भी खुलती तो इस समय उठने की आदत डालनी चाहिए। यह समय अमृत का बेला होता है, अल्लाह ताला को याद करने का बेला है। इस समय की हुई बंदगी इबादत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आप इस समय जरूर उठें, पीरो मुर्शिद के चिराग रोशन करें, उनकी बारगाह में दुआ करें, जो हमें मिला है उसका शुक्राना करें और अपने लिए दुआ फरियाद करें, सरबत का भला मांगें, तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। आपको भी आपका पीरो मुर्शद बेशुमार धन दौलत औलाद से नवाजेगा और आपको माला माल कर देगा। इस समय
हमारा पीरो मुर्शिद भी चाहता है कि मेरा मुरीद मेरी उठकर बंदगी करे, अल्लाह ताला का जिक्र करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मेरे आगे दुआ करे। मैं उसके सभी बिगड़े हुए कामों को सवार दूंगा, उसकी ज़िंदगी को बदल दूंगा। इसीलिए हमारा पीरो मुर्शिद बार बार हमारी आँख इस समय खोलते हैं कि यह मेरा मुरीद सोया ना रहे, मैं इसकी किस्मत को बदलना चाहता हूँ। यह उठकर अल्लाह ताला का जिक्र करे, मेरे चिराग रोशन करे, मेरे आगे दुआ करे, तो मैं इसकी हर आसमराद को पूरा कर दूँ। उस समय उठने का एक और बड़ा फ़ायदा है, सभी तरफ शांति होती है, कोई शोर शराबा भी नहीं होता, हमारा ध्यान भी बड़ी आसानी से लग जाता है इबादत में। इसलिए इस समय उठने की आदत डालें, ये बहुत बड़ा शुभ काम है, इसे कभी अनगौला ना करें, इसको कभी इग्नोर ना करें। सो इस बात पे गौर जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना। अल्लाह ताला आपके पीरो मुर्शिद आपको कभी कोई कमी ना ने दे। आमीन।